नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वरुण मल्होत्रा है। मैंने एम्स दिल्ली से डीएपीलॉजी का कोर्स किया है एवं वर्तमान समय में मैं सुधीर न्यूरो क्लिनिक इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पे न्यूरो फिजिशियन कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे न्यूरोपैथी या नसों की दिक्कत के बारे में चर्चा करूँगा। न्यूरोपैथी या नसों की दिक्कत का मतलब ये होता है कि बहुत सारे मरीजों में हाथों पैरों में झंझनाहट, सुनपन, दर्द, जलन, ये सब लक्षण होना। कई मरीजों में दर्द, झंझनाहट, सुनपन, जलन के अलावा हाथों पैरों में, पंजों में जोर भी कम हो सकता है, या कई लोगों में हाथों पैरों पंजों का मांस भी कम हो सकता है। इसके विभिन्न प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। न्यूरोपैथी में जैसे हमने अभी चर्चा की, दर्द, झंझनाहट, सुनपन भी हो सकता है, हाथों पैरों में पकड़ कमजोर हो सकती है, जोर भी कम हो सकता है एवं मांस भी कम हो सकता है। न्यूरोपैथी के बहुत सारे कारण होते हैं। जब भी मरीज को इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, उसको शीघ्र अतिशीघ्र न्यूरो फिजिशियन की राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उसका कारण नहीं पता चलेगा, आप इसका उचित इलाज नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में जो मुख्य कारण पाए जाते हैं न्यूरोपैथी के या नसों की दिक्कत के, उसमें शुगर या डायबिटीज़, विटामिन की कमी, किसी तरह का इन्फेक्शन, ड्रग इंड्यूस कई दवाइयों से हो सकता है, मेटाबॉलिक कॉजेज से हो सकता है, किसी विटामिन कैल्शियम की कमी होने से, शरीर में नमक की कमी होने से, कैल्शियम की कमी होने से, कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जो मुख्य कारण पाए जाते हैं हमारे देश में, वो शुगर, विटामिन की कमी, किसी तरह के इन्फेक्शन, ये मुख्य कारण है। जब भी मरीज डॉक्टर के पास आता है, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, पूरी जानकारी ली जाती है बीमारी के बारे में, एग्जामिनेशन किया जाता है, क्या क्या दिखते हैं, उसके बाद जो जांचें जरूरी होती हैं वो बताई जाती हैं मरीज को, और जांचों के बाद आप उसका इलाज प्रारंभ कर सकते हैं। न्यूरोपैथी का इलाज दो तरीके से होता है। एक लक्षण का इलाज, दर्द है, झंझनाहट है, सुनपन है, उसके लिए दवाइयाँ आती हैं जो मरीज को दी जाती हैं, और दूसरा जो न्यूरोपैथी का कारण है, जैसे अभी हमने चर्चा की, यदि किसी मरीज को जांचों में शुगर निकलती है तो शुगर की दवा देनी पड़ती है, किसी मरीज को मान लीजिए विटामिन बी12 की कमी आ रही है तो विटामिन बी12 की दवा देनी पड़ेगी। हमारा कहने का मतलब ये है कि या तो जो कारण है उसकी भी दवा देनी पड़ेगी, और साथ में जो लक्षण है उसकी भी दवाइयाँ देनी पड़ेगी। कारण की भी दवा चलेगी और लक्षण की भी दवा चलेगी। बात करते हैं इलाज की। जितना मरीज शुरू में हमारे यहाँ देखा जाता है कि शुरू में मरीज इलाज लेने में देरी करता है, शुरू में उसको लक्षण भी होते हैं, दर्द होती है, झंझनाहट होती है, सुनपन होता है, तो वो नज़रअंदाज करता रहता है, और जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती जाती है तब वो डॉक्टर की राय लेने के लिए भागता है। अगर इसी बीमारी का इलाज शुरू में प्रारंभ कर लिया जाए तो इससे काफ़ी अच्छे नतीजे आते हैं, और जितनी देरी होती जाती है उतने नतीजे कम अच्छे आते हैं। इसीलिए हम लोग मरीजों को बताते हैं या जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि जब भी आपको दर्द, झंझनाहट, सुनपन, जलन, हाथों पैरों में ऐसा कोई भी लक्षण दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर न्यूरो फिजिशियन की राय लेनी चाहिए। न्यूरोपैथी का इलाज संभव है, बहुत अच्छा इलाज होता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, न्यूरो फिजिशियन के पास जाएंगे, तो आपको इस बीमारी से काफ़ी अच्छा आराम हो सकता है। इसको नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर के पास जाइए, इलाज प्रारंभ करिए और इसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। धन्यवाद।